नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। दिवाली 2021 का पर्व कार्तिक मास 2021 की कृष्ण पक्ष की अमावस्या 2021 की तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इससे पहले धनतेरस 2021 का पर्व मनाया जा रहा है। धनतेरस पर धनवंतरी देव, मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। इस दिन धन से जुड़ी परेशानियां दूर करने के लिए पूजा के साथ विशेष धनतेरस 2021 उपाय भी किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा बनी रहती है। पंचांग के अनुसार 2 नवंबर 2021 मंगलवार को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि को ही धनतेरस 2021 का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस 2021 को धनवंतरी देव जयंती 2021 के रूप में भी मनाते हैं। धनतेरस 2021 पर धनवंतरी देव की पूजा के साथ कुबेर, लक्ष्मी, गणेश और यम की भी पूजा की जाती है। इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस 2021 पर 13 दीपक जलाएं। धनतेरस 2021 पर धन की समस्या को दूर करने के लिए किए गए उपाय जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन 13 सायकाल के बाद 13 दीपक जलाने से लक्ष्मी जी और कुबेर देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही धनतेरस पर शुभ मुहूर्त झाप पर धन रखते हैं या तिजोरी में कुबेर देवता को विधि पूर्वक किया जाता है तो उसके साथ एक मंत्र भी बोला जाता है, यक्षाय कुबेराय वैष्मणाय धन धान्य अधिपताय, धन धान्य समृद्धि में देही दाप्य दाप्य स्वाहा। धनतेरस 2021 पर ध्यान रखने योग्य बातें। धनतेरस पर कपूर से सभी देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए। इस दिन घर और घर के बाहर 13-13 दीपक रखने चाहिए। इससे कर्ज आदि की समस्या दूर होती है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। इस दिन दान भी करना चाहिए, पितरों का भी स्मरण करना चाहिए। और पूजा के मुहूर्त की बात अगर की जाए तो बता दें सुबह 6:18 से रात को 10:08 तक है। साथ ही इस समय की अवधि में धनवंतरी देव की पूजा भी की जाएगी। प्रदोष काल 5:35 से 8:11 तक रहेगा। ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।